लर्निंग जो है वो क्या है, बिहेवियर में चेंज लाना है। कैसे हम चेंज लाते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। जैसे ही हम आगे आगे और काम करते जाएंगे, एक्सपीरियंसेस हमें होते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें लर्निंग होती रहेगी और ये हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा। ये किसने कहा था, ये कहा था गेट्स ने। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू लर्निंग इज़ यूनिक। कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या है, कि इन्फॉर्मेशन जब हम प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं बच्चों को, तो वो उसमें यूनिक क्या है। डायरेक्ट अ टीचर टू स्ट्रक्चर द क्लासरूम इन्वायरमेंट। कि टीचर क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है क्लासरूम इन्वायरमेंट में, एक स्ट्रक्चर बनाता है इस तरीके से कि लर्निंग जो है बच्चे की एफिशिएंटली हो सके और इफ़ेक्टिवनेस से हो सके। सेकंड है मेक स्टूडेंट्स अवेयर टू हाउ दे लर्न। ताकि टीचर जो है बच्चों को अवेयर कर सके कि बच्चा जो है कैसे लर्न करे, हाउ दे कैन यूज़ दोज प्रोसेसेस टू इम्प्रूव दे क्लासरूम परफॉर्मेंस, और कैसे जो है वो इन प्रोसेसेस को यूज़ कर सके ताकि उस बच्चे की जो है क्लासरूम परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सके। और थर्ड है एस्टैब्लिशेस दैट द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग आर कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल लर्नर्स। ताकि जो जितने भी प्रोसेसेस हैं लर्निंग के, उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे की लर्निंग कंसिस्टेंटली मींस कि रेगुलरली होती रहे। नेक्स्ट है इंफेसिस दैट पीपल लर्न बेस्ट बाय क्रिएटिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। कि बच्चा जो है ज़्यादा सीखता है जब वो रियलिटी से खुद करके उस चीज़ को क्रिएट करता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या है, कि इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। सो मेन अगर हम देखें सूटेबल आंसर इसमें क्या होगा, बी वाला, कि दैट मेक स्टूडेंट अवेयर टू हाउ दे लर्न। कि टीचर ने क्या करना है, बच्चों को अवेयर करना है कि कैसे वो लर्न कर सके, कैसे जो है अपनी क्लासरूम परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव कर सके। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये आंसर आएगा, क्रिएटिंग जो क्रिएटिविटी बच्चे में इन्हांस होगी, करनी है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में नहीं आता, इसलिए इसका ये आंसर नहीं है। ठीक है, और टीचर ने जो है ऐसे ही डायरेक्शन नहीं दे देनी, ऐसे ही इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करना, इसमें बच्चों को जो है उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है लेकिन डेमोक्रेटिक वे से करनी है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़ती रहेगी। कैसे बढ़ेगी, जब परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी बच्चे की क्लासरूम में और जो है वो इम्प्रूव कर पाएगा। तो इसलिए इसका मोस्ट सूटेबली आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट है मॉडर्न साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर, हु सेड। कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है एक, किसकी, बिहेवियर की। क्योंकि साइकोलॉजी है क्या, बिहेवियर को स्टडी करना, तो मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है, उन्होंने कहा है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है बिहेवियर की। ये किसने कहा था, अगर हम देखें तो ये कहा था मान ने। नेक्स्ट अगर हम देखें आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप द चिल्ड्रन एबिलिटी टू प्रोनाउंस द लेटर डब्ल्यू बी टी एफ जी एंड एन परफेक्टली ग्रोस। कि बच्चा जब बड़ा होता है फिर जैसे वर्ड्स बोलने लगता है, W हो गया, B हो गया, तो कब वो परफेक्टली जो है प्रोनाउंस कर सकता है, कब परफेक्टली बोल सकता है। तो अगर हम देखें 24 से 36 मंथ मीन्स कि एक साल का बच्चा, एक से थोड़ा सा ज़्यादा, एक साल से लेके फिर दो साल से थोड़ा सा ज़्यादा भी कह सकते हैं हम, 24 महीने जो हैं तो 12 महीने एक साल में होते हैं, तो दो साल से ऊपर हो गया, तो उस टाइम पे जो है बच्चा सीखता है, लेकिन ज़्यादा सीखता है उस टाइम पे, वर्ड्स जो हैं, अल्फ़ाबेट्स जो हैं सीखता है। नेक्स्ट अगर हम देखें 3 to 5 ईयर, उस टाइम पे भी बच्चा जो है अल्फ़ाबेट्स सीखता है। 12 to 18 months जो हैं वो, उस टाइम पे बच्चा जो है वर्ड्स ऐसे प्रोनाउंस नहीं करता, कम ही करता है। और 18 to 24 months में भी जो है वो ऐसे वर्ड्स नहीं बोलता, ए या बी जो है स्टार्ट करता है। सो अगर हम देखें 24 months और 36 months का देखें, तो वो 2 साल और 2 साल से ऊपर है, तो उसमें बच्चा सीखता है लेकिन इतना परफेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पाता। बच्चा जो है जब 3 साल का हो जाता है, तो कम से कम जो है कितने वर्ड सीख लेता है, 2072 sentences जो है वो, मतलब अभी नहीं बना पाता लेकिन वर्ड्स जो है बनाने सीख लेता है। तो इसी तरीके से परफेक्टली कब वो जो है बना पाएगा, वर्ड्स जो है सीख पाएगा, प्रनाउंस कर पाएगा, वो है 3 to 5 years। सो आज हमने जो है 10 questions किए हैं, जो कुछ सीटेट में भी आए हुए हैं, कुछ पीएसटेट में भी आए हुए हैं। होप यू लाइक दिस। अगर कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं समझ में आया तो आप सभी पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच।
फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हमने जो है सी टेट या पी एस टेट या हम कह सकते हैं एच टेट टीचिंग एग्जाम्स के मोस्टली जो हैं सी डी पी के जो है सिलेबस सेम ही होता है। सो हमने चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है पहला पार्ट किया था। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो है सी टेट में आया हुआ है कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है कितने वर्ड से मिलकर बना है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है मैंने पहले खुद ही सिंपल रखा है, सभी को मोस्टली पता ही होगा कि कितने वर्ड से बना है। दो वर्ड्स हैं, चाइल्ड और डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो है दो वर्ड से मिलके बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डेफिनेशन जो कि पी एस टेट के एग्ज़ाम में आई हुई है 2015 में। तो इसका मेन डेफिनेशन हमने देखनी है कि किसने ये लिखी है। डिवेलपमेंट मीन्स अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट अकर इन ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। डिवेलपमेंट जो है इसमें चेंजेस होते रहते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं, ठीक है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतने साल का बच्चा जो है उसको उसका आईक्यू लेवल इतना होगा और इतना कुछ उसको आता होगा, है ना। तो ये किसने कहा था, ये जो है हर्लॉक ने कहा था। डिवेलपमेंट जो है एक प्रोग्रेसिव चेंज है, किसने डिफाइन किया था, ये किया था हर्लॉक ने। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड वाला कि लर्निंग इज़ रिलेटेड टू, ये सी टेट के एग्जाम में आया हुआ है कि लर्निंग किससे रिलेटेड है। लर्निंग हमारी मेमोरी से रिलेटेड है, हमारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है या हमारी थिंकिंग से रिलेटेड है। अगर हम बात करें लर्निंग से जो है हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, हमारा जो मेंटल लेवल है, हमारा जो माइंड है वो भी शार्प होता है और हमारी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो भी जो है डिवेल्प करती है। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। लर्निंग जो है उसमें जो है हम क्रिएटिविटी भी इन्हांस होती है, हमारी मेमोरी भी और थिंकिंग भी। नेक्स्ट है वट इज़ कॉल्ड द एक्टिव प्रोग्रेस ऑफ फिजिकल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स की जो है डिवेलपमेंट हो रही है, उसके फिजिकल ऑर्गन्स की एक्टिव प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैंने एक्चुअली आंसर बोल ही दिया है। पहले इंक्रीज इन पावर, डिवेलपमेंट, ऑलराउंड डिवेलपमेंट या ऑल ऑफ अबव। इससे जो है पावर इंक्रीज नहीं होती, ऑलराउंड डिवेलपमेंट नहीं होती। जब प्रोग्रेस होती है फिजिकल ऑर्गन्स में ह्यूमन बींग की, तो क्या होती है, डिवेलपमेंट होती है उनकी, ठीक है। ना ही ऑलराउंड डिवेलपमेंट होती है, ना ही पावर में इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, एक्टिव प्रोग्रेस होने से डिवेलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये पी एस टेट के एग्जाम में आया हुआ है। द स्कूल में बी रिगार्डेड एज द सोशल इन्वेंशन टू सर्व सोसाइटी फॉर द स्पेशलाइज्ड टीचिंग ऑफ यंग। ये किसने कहा है कि स्कूल जो है एक ऐसी इन्वेंशन है जिसने बच्चों को जो है स्पेशल टीचिंग जो है ट्रेनिंग दी जाती है छोटे बच्चों को, ठीक है, यंग बच्चों को। पी एस टेट 2015 में ये क्वेश्चन आया और ये किसने कहा था, ये कहा था ओटावे ने। क्योंकि डेफिनेशंस जो है कई बार पूछ ली जाती हैं और कई बार रिपीट भी हो जाती है, इसलिए डेफिनेशंस जो है करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये किसने कहा था, ये कहा था ओटावे ने। नेक्स्ट हम देखें, अगर क्वेश्चन है सिक्स, डिवेलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन डिवेलपमेंट प्रोग्रेसेस। जो साइकोलॉजिस्ट हैं डिवेलपमेंट के, वो क्या कहते हैं, किस पे बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन डिवेलपमेंट है वो कैसे प्रोग्रेस करती है। सबसे पहला है सिस्टमेटिकली, सेकंड है अनप्रिडिक्टेबली, थर्ड है विद अ लिटिल इंडिविजुअल वेरिएशन और फोर्थ है क्वांटिटेटिवली। अगर हम देखें, ये भी क्वेश्चन जो है पी एस टेट में आया हुआ है, ये मैंने लिखा नहीं है। सो इसमें जो है दो आंसर्स इन्होंने माने थे, एक तो सिस्टमेटिकली, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि डिवेलपमेंट कैसे होती है, सिस्टमेटिकली होती है और हम कई बार जो है उसे प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते,